हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आज आपको 5 डिविडेंड स्टॉक का बारे में बताएगा जो हाई रिटर्न भी दे रहा है, हर साल डिविडेंड भी दे रहा है। इसका एक्स डेट कब है, बाई कब करना चाहिए, ये सब जानने के लिए वीडियो लास्ट तक बने रहिए। मैं आपका दोस्त विश्वजीत, मेरा आरबी अकाडमी में आपका स्वागत है। चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। नंबर वन स्टॉक 1943% रिटर्न दिया है। अभी देखेगा कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न, शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अच्छा है। 74% होल्ड करके रखा है, म्यूचुअल फंड 12% होल्ड करके रखा है। कंपनी का फाइनेंशियल ट्रेंड, हर साल रेवेन्यू नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज हो रहा है। कंपनी का नाम सुंदरम क्लिंटन लिमिटेड। कंपनी ऑटोमोबाइल सेक्टर का है, मार्केट कैप 7362 करोड़ का है, एक स्मॉल कैप स्टॉक है। स्टॉक का पी रेशियो 17 है, इंडस्ट्री का पी रेशियो 24.6 है। स्टॉक का पी रेशियो कम है जो अच्छा ही है। रिटर्न ऑफ इक्विटी 12.4, रिटर्न ऑफ कैपिटल इक्विटी 11.8। स्टॉक 52 वीक हाई था 5124। अभी स्टॉक का करंट प्राइस जो चल रहा है 3071। ये स्टॉक 44 रुपीज डिविडेंड दे रहा है पर शेयर। एक्स डेट है 29 मार्च। ये स्टॉक को आप 28 पे बाई कर लीजिए, डिविडेंड को फायदा उठाइए। दूसरा नंबर स्टॉक जो आपको 5045% रिटर्न दिया है। अभी देखेगा स्टॉक का शेयर होल्डिंग पैटर्न। प्रमोटर 54% होल्ड करके रखा है, म्यूचुअल फंड 3% होल्ड करके रखा है। अभी कंपनी का फाइनेंशियल ट्रेंड, रेवेन्यू थोड़ा सा इंक्रीज हुआ फिर घट गया, नेट प्रॉफिट भी थोड़ा इंक्रीज हुआ था फिर घट गया, इतना अच्छा नहीं है। स्टॉक का नाम बीएलएम लिमिटेड, नॉन इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट सेक्टर का स्टॉक है। स्टॉक का मार्केट कैप 6381 करोड़ का है, एक स्मॉल कैप स्टॉक है। स्टॉक का पी रेशियो 41.7 है, इंडस्ट्री का पी रेशियो 23 है। स्टॉक का पी रेशियो थोड़ा सा हाई है। रिटर्न ऑफ इक्विटी 3.08% है, रिटर्न ऑफ कैपिटल इक्विटी 4.55 है। स्टॉक 50 वीक हाई था 2085। अभी स्टॉक का करंट प्राइस चल रहा है 1532। 5 रुपीज डिविडेंड दे रहा है पर शेयर में। इसका एक्स डेट है 29 मार्च। ये स्टॉक को भी आप 28 में बाई कर लीजिए, अच्छा डिविडेंड भी मिल जाएगा। नंबर थ्री स्टॉक जो आपको 4081% रिटर्न दिया है, शेयर होल्डिंग पैटर्न। इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत अच्छा है, म्यूचुअल फंड हर क्वार्टर में उसका स्टॉक को इंक्रीज कर रहा है। अभी देखिएगा कंपनी का फाइनेंशियल ट्रेंड, रेवेन्यू हर साल इंक्रीज हो रहा है, नेट प्रॉफिट भी हर साल इंक्रीज हो रहा है, जो ये स्टॉक फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है। कंपनी का नाम क्रिसेल लिमिटेड, ये कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में काम करता है। कंपनी का मार्केट कैप 22320 है, एक मिड कैप स्टॉक है। स्टॉक का पी रेशियो 52.2 है, इंडस्ट्री का पी रेशियो 37 है। स्टॉक का पी रेशियो थोड़ा सा हाई है। रिटर्न ऑफ इक्विटी 29.8, रिटर्न ऑफ कैपिटल इक्विटी 40.2। स्टॉक 52 वीक हाई था 3498 है। स्टॉक का करंट प्राइस 3081 है। ये स्टॉक 22 रुपीज डिविडेंड दे रहा है पर शेयर में। इसका एक्स डेट है 30 मार्च। ये स्टॉक को आप 29 मार्च में बाई कीजिए, आपको एक अच्छा डिविडेंड भी मिलेगा, ये स्टॉक का अंदर आप फोकस डाल सकता है। नेक्स्ट स्टॉक आपको 681% रिटर्न भी दिया है। अभी देखिएगा इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न, म्यूचुअल फंड हर क्वार्टर में उसका होल्डिंग को इंक्रीज कर रहा है। अभी देखेगा इस कंपनी का फाइनेंशियल ट्रेंड, रेवेन्यू थोड़ा थोड़ा करके इंक्रीज हो रहा है, नेट प्रॉफिट भी हर साल इंक्रीज हो रहा है। कंपनी का नाम अंबुजा सीमेंट लिमिटेड, एक सीमेंट सेक्टर का स्टॉक है। कंपनी का मार्केट कैप 59,152 करोड़, एक लार्ज कैप स्टॉक है। स्टॉक का पी 20.8 और इंडस्ट्री का पी 17.5। स्टॉक का पी थोड़ा सा हाई है। रिटर्न ऑफ इक्विटी 11.8, रिटर्न ऑफ कैपिटल इक्विटी 22.3, जो अच्छा है। स्टॉक 52 वीक हाई था 443, करंट प्राइस है 298, 6.33 डिविडेंड देगा पर शेयर में। स्टॉक का एक्स डेट है 30 मार्च। ए स्टॉक को भी आप 29 में बाई कीजिए। नेक्स्ट स्टॉक 2110% रिटर्न दिया है। अभी देखेगा इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न, ए स्टॉक का शेयर होल्डिंग पैटर्न इतना खास नहीं है। कंपनी का फाइनेंशियल ट्रेंड, रेवेन्यू हर साल इंक्रीज हो रहा है, नेट प्रॉफिट भी हर साल इंक्रीज हो रहा है। कंपनी का नाम धामपुर सुगर लिमिटेड, एक सुगर सेक्टर का स्टॉक है। स्टॉक का मार्केट कैप 3480
87 करोड़ का है, स्टॉक का पी 14.7 है, इंडस्ट्री का पी 16 है, स्टॉक का पी थोड़ा सा कम है, रिटर्न ऑफ इक्विटी 15.7 है, रिटर्न ऑफ कैपिटल इक्विटी 13.7 है, जो इतना अच्छा नहीं है। 52 ही हाई है, 567 है, स्टॉक का करंट प्राइस 552 है, ये स्टॉक 6 रुपीज डिविडेंड दे रहा है पर शेयर में, स्टॉक का एक्स डेट है 13 मार्च, आप ये स्टॉक को भी 29 में बाई कीजिए और डिविडेंड को फायदा लीजिए। ये 5 स्टॉक में आप इन्वेस्ट करने का पहले मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, आप खुद एक बार रिसर्च कर लीजिए, क्योंकि मैंने वीडियो एडुकेशन पर्पस के लिए बनाया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और मेरे साथ लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद।